हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से आज क्लास स्टार्ट हो रही है, जो लगातार जो संडे टू संडे जो टेस्ट कराए जा रहे हैं आईसीआर पैटर्न पर और यूपी कैडेट के पैटर्न पर, आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। आज जो लेक्चर होने वाला वो आईसीआर के पैटर्न पर जो पेपर आते हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और जो यहाँ पर जो टेस्ट कराए जाते हैं, उन उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पूरा जानेंगे, पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे उसके बारे में, क्या क्या आंसर, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, या जो क्वेश्चन आज दिए गए उसको बच्चों ने कैसे किया, कितना सही किया, पेपर कठिन था या आसान, वो कैसा था, कि आज उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग पहली क्लास हमारी है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा सवाल है हमारे पास और आंसर भी सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए बताओ जरा क्या आंसर होगा बेटा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीचर के बारे में बात किया है, क्या फीचर होता है। यहाँ पे लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पॉजेस ऑल द अबव कैरेक्टर्स। यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहां पर जो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यहां पे आपको ये इसको क्लियर करना है, उसको छांटना है कि ये जो तीनों लक्षण होते हैं, ये तीनों लक्षण इन तीनों चारों ऑप्शन में किस पर मैच करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर बताइए जरा फटाफट, क्या होगा आंसर हमारे पास, जल्दी आंसर बताएंगे इसको। कि यहां पर जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, इन तीनों ऑप्शन के बारे में, तो आपको पता चलता है कि इन तीनों को पढ़ के कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या किसके लिए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जरा एक बार आंसर बताइए सभी लोग फटाफट, कोशिश करिए बताने की कि पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ भाई सारे बच्चे लाइव यहां पे, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, चलिए आंसर बताइए जरा। बताओ भाई क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, कोई बताएगा। एनीवन आस्क मी, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी बता सकता है। टेल मी, टेल टेल मी, जल्दी बताइए। पूछो भैया, पूछो जल्दी, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए भाई फटाफट। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि यहाँ पर किस में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, पहला पॉइंट लिखा है, ठीक है। दूसरा लिखा है बायलेटरल सिमेट्री लिखा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखा है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट पाया जाएगा, ठीक है बेटा। अभी हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा, अभी पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसी वजह से हिंदी इस पर बोर्ड पे नहीं आ पाई, ठीक है, तो अभी आ जाएगा आगे। चलो भाई ठीक है, पहला आंसर यहाँ पे किसने दिया, ए, ठीक है। अनलिडा मोलस्का और कॉर्डेटा, या बेटा होता क्या है कि जो मोलस्का होता है ना, मोलस्का, मोलस्का के शरीर के अंदर कभी भी कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन के बारे में बात किया है, तो सेगमेंटेशन बेटा कभी मोलस्का संघ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है एनलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मोलस्का लिखा है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी मोलस्का लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोलस्का की बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, उसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है, अनसेगमेंटेड होती है। तो आंसर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा एनलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इन तीनों के अंदर बेटा क्या होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, ये ट्रू सिलोमेट होंगे, आर्थ्रोपोडा होगा और क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। तीनों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके पास सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास नेक्स्ट। दूसरा सवाल बेटा हमारे पास देखो वही है, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में दे दिया गया है, पहले वाला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं बेटा हमारे पास क्या सवाल है, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री के बारे में पूछा गया। सिंपल सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर द्विपक्षीय स्वरूपता के साथ उच्च सच्चे सहसंयोग होते हैं। बताओ भाई क्या होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप नए हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा गया सवाल, ठीक है, क्या लिखा है, किसके अंदर बेटा क्या होगा, जो सिलोमेट होंगे और विद बायलेटरल सिमेट्री किसके अंदर होती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडल्ट इकोनोडर्मेटा होता है बेटा, इसके अंदर कैसी सिमेट्री पाई जाती है, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। एस्केल में थी बेटा कैसा होता है, ये स्यूडो स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं, स्यूडो सिलोमेट्स होता है ये, स्यूडो सिलोमेट्स।
ये बेटा कैसा होगा, ये ए सिलोमेट होता है, कैसा होगा ए सिलोमेट होता है। चौथा बेटा क्या होगा, एनलिडा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चौथा हो जाएगा, एनलिडा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एनलिडा कैसा होता है, इसके ये ट्रू सिलोमेट्स होता है, इसके बॉडी के अंदर हमेशा ट्रू सिलोम होता है। दूसरा क्या होगा बेटा, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, क्योंकि ट्रू सिलोमेट आपको पहले देखना है यहाँ पे कि सिलोमेट होता कौन है, और यहाँ पे लिखा भी है ट्रू सिलोम। तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा, एनलिडा, जिसके अंदर कौन आता है, आर्थ्रोम आता है। ठीक है सुबेश, ठीक है, आर्थ्रोम आता है, एनलिडा के अंदर कौन आता है, आर्थ्रोम आता है। इसको केचुआ हम लोग बोलते हैं हिंदी में, केचुआ बोलेंगे, और यह उसे क्या बोलेंगे, आर्थ्रोम बोलेंगे। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। नेक्स्ट सवाल लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन त्रिस्तरीय हो सकता है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिंपल सा सवाल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते कौन कौन से, मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पर प्रोटोजोआ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहला पॉइंट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, दूसरा हम क्या लिखते हैं बेटा, पोरीफेरा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोरीफेरा। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोरीफेरा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, पोरीफेरा। तो ये हमारे पास जो प्रोटोजोआ पोरीफेरा होते हैं, और बेटा हमारे पास कौन होगा, सिलेंट्रेटा, कौन होगा, सिलेंट्रेटा। ये तीन एग्जाम्पल बेटा हमारे पास कैसे होते हैं, ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, जैसे टीनोपोरा भी आपका कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक। स्पंज आपका किसे कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक। पोरस भी आपके सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक। आपके पास जो फ्लैट वार्म होगा, जो एस्के हेलमिंथीज होता है, एस्के हेलमिंथीज, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय जंतु होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आईसीएआर की क्लास चल रही है बायोलॉजी ग्रुप से, ठीक है, आईसीएआर। ठीक है बेटा, हमारी बात समझे, मैंने फिर से क्या बोला, कि जो स्पंज होते हैं आपकी, ये पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा में आते हैं स्पंज जितने भी होते हैं। जो कोरल्स होता है आपका बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये संघ सिलेंट्रेटा में आते हैं, इसको हम लोग नाइडेरिया के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे बेटा टीनोफोरा लिखा है, टीनोफोरा भी आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, द्विस्तरीय होता है। फ्लैट वार्म जो होता है बेटा, उसे चपटा क्रिम बोलेंगे, जो प्लेटियल में थी इसका मेंबर होता है, जिसमें टेनिया सोलियम आता है, जिसमें फीता क्रीमी आता है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग। तो एग्जांपल बेटा यहाँ पे जो आपके पास आंसर होगा बेटा, क्या हो जाएगा, फ्लैट वार्म हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा, फ्लैट वार्म्स हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है, नेक्स्ट सवाल ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच कराना है, कौन सा सही मैचिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट मैचिंग करानी है, क्या होगा आंसर, सिंपल सा पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल मैच करेंगे। तो मैंने आपको आज मैंने बताया भी है कि जो फाइलम होते हैं, फाइलम से आपके एग्जाम्पल ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप आईसीआर का एग्जाम देंगे, तो आईसीआर के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे आते हैं, आपके मैचिंग वाले पैटर्न पे आते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एग्जाम्पल रटे होंगे, जब आपने उसको 20 बार पढ़ा होगा, तो ही आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, फाइसेलिया बोलेंगे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, इसे पुर्तगाल का योद्धा भी बोलते हैं हिंदी में, जब पढ़ेंगे आप पुर्तगाल का योद्धा बोलते हैं इसे। दूसरा बेटा लिखा है लिम्यूलस, उसको क्या बोलेंगे बेटा, लिविंग फॉसिल्स या किंग क्रैब, इसी लिम्यूलस को बेटा क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, किंग क्रैब के नाम से भी जाना जाता है लिम्यूलस, क्या बोलेंगे, किंग क्रैब। उसके बाद एंसाइलोस्टोमक क्या बोलेंगे, हुक वार बोलते हैं, और पिंटाडक बेटा क्या बोलेंगे, पर्ल ओइस्टर बोलते हैं। तो आप यहां से मैच कर सकते हैं क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है सत्येंद्र बेटा, ठीक है, हिंदी में बेटा कोई भी एग्जाम आप देंगे ना, आईसीआर का और यूपी कैडेट का या कोई भी, तो बेटा हिंदी आपको समझ नहीं आएगी, अंग्रेजी आसान है, अंग्रेजी में आप पढ़िए, कोशिश करके समझिए। ठीक है, तो बेटा फाइसेलिया आप पहले का क्या हो गया, दूसरा, दूसरे बेटा क्या हो गया, तीसरा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तीसरे का चौथा, तीसरे का बेटा क्या हो गया, चौथा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एंसाइलोस्टोमा को हुक वार बोलेंगे, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा, बिना
पढ़े बिना सिलेबस को पढ़े, एक बार पढ़ना तो पड़ेगा सिलेबस को, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे ना तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, वरना आप मेरे साथ जुड़िए लगातार और इसको लगातार आप फॉलो करिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक आंसर को मैं बता रहा हूँ, एक एक ऑप्शन को बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए भाई अगला पॉइंट क्या लिखा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स लॉन्ग बोन्स। यहाँ लिखा है कि हमें उस जीव का नाम बताइए, उस जंतु का नाम बताइए जिसकी बॉडी, जिसकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो लंबी के साथ साथ खोखली होती हैं। कैसे होंगी लंबी के साथ, कैसे होंगी भैया खोखली। बियर क्या लिखा है बेटा, हॉलो एंड क्या लिखा है न्यूमेटिक बोन्स, ये पॉइंट लिखा है हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। वाइवी और लंबी हड्डियां किसमें पाई जाती है, तो सिंपल सा सवाल है, जो बेटा ऑर्निथोलिंकस होता है, एक ये एनिमल होता है, क्या होगा बेटा ये एनिमल होता है, ये भी आपको पता है एनिमल होता है। हेमिडेटाइल से वॉल लिजार्ड बोलते हैं बेटा, वॉल लिजार्ड बोलते हैं, दीवाल वाली जो दीवाल के ऊपर जो छिपकली पाई जाती है वॉल लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है बेटा। मैक्रोपस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंगारू बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कंगारू का नाम, क्या बोलेंगे कंगारू बोलेंगे, ठीक है। न्यूफ्रॉन को बेटा क्या बोलते हैं, वल्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे वल्चर, न्यूफ्रॉन को वल्चर। बेटा वल्चर एक प्रकार का क्या होता है, पक्षी होता है, गिद्ध होता है, गिद्ध है पक्षी है, हम पक्षी से बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो करेक्टर आपका लिखा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बर्ड्स को लेकर के पूछा गया है कि जो बर्ड्स होती हैं, जो सभी बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, इनकी हड्डियां कैसी होती बेटा, खोखली होती हैं, और खोखली होने की वजह से क्या होता है, इनकी जब खोखली होंगी तो शरीर का भार कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ये आराम से बहुत दूरी तक उड़ सकती हैं बिना वेट बेयरिंग के, बिना थके बिना रुके, ठीक है। तो आंसर आप समझ सकते हैं बेटा, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा जंतु स्तनधारी जंतु होता है जो बेटा क्या होता है अंडे देता है, यही एक ऐसा स्तनधारी होता है जो बेटा क्या देता है अंडे देता है। ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं इसे, डक बिल्ड प्लेटीपस के भी नाम से जानते हैं, डक बिल्ड प्लेटीपस बोलेंगे ऑर्निथोरिंकस। हेमिडेक्टाइलस बेटा क्या है, इसे वॉल लिजॉर्ड बोलेंगे, ये एक रेप्टाइल्स होता है, सरीसृप होता है वॉल लिजॉर्ड, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको बेटा समझना है, ध्यान से देखना इसको, बात समझे हमारी, मैंने क्या बोला बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा सवाल, अगला सवाल हमारे पास लिखा है फिफ्थ नंबर लिखा है यहाँ पे, मेटाजेनेसिस लिखा है बेटा। मेटाजेनेसिस को हम लोग एक नाम बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के भी नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज भी करता रहता है, जो केवल और केवल सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा में, यहाँ क्या लिखेंगे, जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा जिसके अंदर बेटा ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये गुण पाए जाते हैं मेटाजेनेसिस, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल बेटा क्या होता है हमारे पास, ओबेलिया, क्या एग्जाम्पल होता है ओबेलिया। ओबेलिया को बेटा सीफर बोलते हैं, जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया का मेंबर होता है, ठीक है, सिलेंट्रेटा निडेरिया। इसका मतलब क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां लिखा गया है इसमें हमेशा ए सेक्सुअल से सेक्सुअल बनता है, सेक्सुअल से ए सेक्सुअल बनता है। दैट मीन्स अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, स्ट्रक्चर मतलब अपने फेज को चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चले आगे, बताओ इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखते हैं आप लगातार, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखते हैं पॉलिप, पॉलिप किसमें चेंज होता है बेटा, पॉलिप आपका चेंज होता है किसमें, मेडुसा में, पॉलिप चेंज होता है किसमें भैया, मेडुसा। तो पॉलिप मेडुसा में ए सेक्सुअली होता है, और मेडुसा पॉलिप में कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। इसी को बेटा क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आप समझ सकते हैं भैया, ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया, क्या हो गया बेटा, डी हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या लिखा है, वही हिंदी में लिख दिया, वही सवाल हिंदी में लिख दिया उसने, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल लिखा है बेटा हमारे पास, अच्छा सवाल है, लिखा है ए जॉलेस फिश विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियंस। यहाँ कितना बढ़िया सवाल लिखा है, बेस्ट सवाल लिखा है, ठीक है। लिखा है कि एक जबड़े की मछली जो ताजे पानी में अंडे देती है और जिसका ओमोकीट लार्वा काया प्लट के बाद समुद्र में लौट आता है,
वह एग्जाम्पल पूछा गया है कि वह एग्जाम्पल क्या होता है, वो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जब कभी आपने कॉर्डेटा पढ़ा होगा, वर्टिब्रेटा पढ़ा होगा, तो वर्टिब्रेटा में हमारे पास दो नाम आते हैं। पहला नाम बेटा हमारे पास होता है एग्नेथा, जिसको बोलते हैं जॉलेस फिशेस, जिसमें जॉ या जबड़ा नहीं पाया जाता। दूसरा हमारे पास होता है ग्नेथोस्टोमेटा, जिसको बोलते हैं जॉ, जिसमें जॉ या जबड़ा पाया जाता है। तो ग्नेथोस्टोमेटा को जब आप डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पिसीज एंड टेट्राबोडा। बट हम लोग एग्नेथा के बारे में बात कर रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जिसके बारे में सवाल दिया गया, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, पेट्रोमाइजान हो जाएगा। और बेटा पेट्रोमाइजान को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेट्रोमाइजान को क्या बोलेंगे, लैम्प्रे के नाम से जानते हैं। याद करके जाइए बेटा, ये आपके साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर होता है, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर होता है। ठीक है, साइक्लोमेटा एक क्लास होती है, क्लास होती है वर्टिब्रेटा की। ठीक है, वर्टिब्रेटा की क्लास होती है, जहां पे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, कई बार आया भी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखा है बेटा हमारे पास, लिखा द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहां पूछा गया कि जो रूट्स होती है, मेन रूट रहा होकर के जो स्टेम के बेस से निकले, जड़ से निकले, उसके बगल से निकले, उस रूट को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए जरा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा आपका 2022 में आपने किया था, विद्यार्थी एकेडमी स्टडी पॉइंट। ठीक है अमित कुमार बेटा, तो क्या हुआ आपका बताओ, ऑफलाइन कोचिंग की थी, फिर क्या हुआ आपका, क्या हो गया आपका बताओ। चलो आगे देखते बेटा क्या लिखा है नेक्स्ट, इसका आंसर दो भाई, क्या होगा आंसर, चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा हमें। तने के आधार से निकलने वाली जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द रूट, इस रूट का नाम बताइए, बताओ बेटा आंसर क्या होगा, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, कोई बच्चा तो बताए, व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर इसका, बताओ बेटा। बी, कोई बच्चा बता रहा है, बी आंसर होगा, बी 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 बताओ भाई, बी। कितने लोग इसका आंसर देने वाले भाई, बताओ फटाफट, हम भी देखें तो, वही तो होगा आंसर वाला, बी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो भाई ए बता रहे हैं कुछ लोग, बाकी दो ही चार लोग आंसर देने वाले हैं, बाकी तो सब सन्नाटे में हैं। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच अभिषेक साक्या। ठीक है चलो भाई, राम प्रकाश ठीक है, एग्रीकल्चर ठीक है, चलो भाई देखते हैं आंसर क्या लिखा बेटा, आंसर क्या लिखा देखते हैं यहाँ पे बेटा। जब यहाँ पे हम बात करेंगे बेस ऑफ द स्टेम की, बेस ऑफ द क्या लिखा है, स्टेम, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी रूट नहीं होगा, लैटरल रूट नहीं होगा, फाइब्रस रूट भी नहीं होगा, वो कौन सा होगा आपका, प्रॉप रूट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, प्रॉप रूट हो जाएगा। और ये बेटा किसका मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जो आपके बरगद में पाई जाती है, किसमें भैया, बरगद में पाई जाती है, फीकस बेंगालेंसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल क्या लिखा है नेक्स्ट, यहाँ लिखा है स्वीट पोटैटो, लिखा है स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है, शकरकंद किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, टैप रूट का, एडवेंटिशियस रूट का, या राइजोम, जरा फटाफट जल्दी बताइए। स्वीट पोटैटो क्या है, स्वीट पोटैटो ये तना है कि जड़ है, बताओ भाई क्या है। ठीक है, नमस्कार गुड़िया, नमस्कार सर जी, अरे नमस्कार। ठीक है चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, जो स्वीट पोटैटो होता है किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, आपको पता है स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये रूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है, ठीक है चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है शकरकंद एक रूपांतरण होता है, संशोधित रूपांतरण, भाई जल्दी बताओ क्या है बेटा। स्टेम तो कभी नहीं होगा, टैप रूट तो कभी नहीं होगा, राइजोम भी कभी नहीं होगा, क्योंकि एक रूट है, स्वीट पोटैटो क्या है, एक जड़ है, तो
राइजोम एक तने का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, राइजोम एक तने का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट हो जाती है। गुड इवनिंग, ठीक है, कैसे हो जाएगा एडवेंटिशियस, स्टेम टैप राइजोम तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपके पास बी हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पीरियड विद मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ये बात आपको याद करके जाना है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रूट प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जड़े जल के अवशोषण में नगण्य भूमिका निभाती हैं, इसका आंसर क्या होगा कि मतलब ऐसी रूट बताइए, इन चारों में पूछा गया कि इसमें किसमें रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, बताओ भाई, बिल्कुल एग्रीकल्चर सही तुम्हारा बेटा, बताओ भैया सुधीर पंडित, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 नंबर का आंसर बताइए जरा क्या होगा, 10 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका, बताओ भैया आंसर तो बताओ, सारे बच्चे आंसर बताओ भैया, क्या आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, डी, बिल्कुल डी आंसर सही है, क्योंकि ये टोटली पानी में रहने वाला है और पानी में कोई भी रूट नहीं पाई जाती, ठीक है, वहां पर रूट एब्सेंट होती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। बाकी इन सभी में क्या होगा, वाटर रूट वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा, वीट में भी हो जाएगा आपका, सनफ्लावर में भी, पी में, क्योंकि पिस्टिया एक वाटर 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 में पाया जाने वाला प्लांट है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल लिखा है, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, यहाँ पूछा गया जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम की कमी होती है, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम का कौन सा भाग नहीं पाया जाता, ये पूछा जा रहा है सवाल, ठीक है। चलिए आंसर बताइए इसका जरा क्या होगा, पहला लिखा है यहाँ पे बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल, सीव ट्यूब ओनली, कंपेनियन सेल ओनली, क्या आंसर होगा इसका, बताइए जरा फटाफट, ठीक है, क्या होगा आंसर भैया, फटाफट जल्दी बताइए, ठीक है, हाँ बी 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 बता रहे, फ्लोएम जो लैक्स पूछा है, प्रेजेंट नहीं पूछा है, यहाँ क्या नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म, यही तो समस्या है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट बोल रहे हैं बिहार से कि बी आंसर है, बेटा बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं पाया जाता, लैक्स है जिम्नोस्पर्म में, बताओ भाई आंसर क्या होगा, कुछ लोग डी बता रहे हैं, जल्दी आंसर बताओ भाई क्या होगा आंसर, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल, ठीक है, बताओ भैया, अरे आंसर तो बताओ, आंसर तो बताओ, आधे तो डर रहे हैं कि आंसर कैसे बताएं, आधे तो अभी डरे बैठे हैं कि आंसर कैसे बताएं, कहीं गलती ना हो जाए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो नहीं बता रहे तो मैं बता रहा हूं, आंसर क्या होगा आपका, बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये आपका पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, किसे पाया जाएगा भैया, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, किसमें, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो आंसर आपका ए हो गया, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है यहां पे, नेक्स्ट लिखा है, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, यहां लिखा है चराई के बाद क्षतिग्रस्त बढ़ती घास का पुनर्जनन मुख्यतया किसके कारण होता है, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रासेस, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितने लोग बताएंगे, जल्दी बताओ फटाफट, लिखा है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस, ये आपके एनाटॉमी से सवाल लिया गया है, एनाटॉमी से है, ठीक है, एनाटॉमी से सवाल लिया गया है, ठीक है, एनाटॉमी से, बताओ भाई क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, एग्रीकल्चर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्या होगा भैया, इंटर कैलरी मेरिस्टम आंसर हो जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टम, बिल्कुल सही, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, चलिए बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, लिखा है मेरिस्टम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक,
यहाँ पूछा गया पेड़ के तने की परिधि में मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। अगर पेड़ की मोटाई को बढ़ाना है तो कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, पेड़ की मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन से ऊतक पाए जाते हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा भैया, ठीक है, क्या आंसर होगा, मेरिस्टेमेटिव सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ, ठीक है, बी बिल्कुल आंसर, बी बी, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ आधे तुक्के मार रहे हैं, कुछ लोग बोले आधा तुक्का मार रहे हैं, चलो भैया ठीक है श्यामू, ठीक है बेटा श्यामू, चलो भाई क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, आंसर क्या हो जाएगा भैया, लैटरल मेरिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्टम, ठीक है लैटरल मेरिस्टम हो जाएगा। मेरा एक सवाल है सभी बच्चों से, जो बच्चे अगर कभी पढ़े हों बाई चांस अगर गलती से पढ़े हों तो आप ये बताओ फेलोजन का दूसरा नाम क्या होता है, जरा मैं बताओ सारे बच्चे आपके पास सवाल है कि फेलोजन का दूसरा नाम क्या होता है, फेलोजन का दूसरा नाम क्या होता है, ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, अगर आप यूपी कैडेट के एग्जाम देना चाहते हैं आईसीआर का एग्जाम देना चाहते हैं तो बेटा एनसीईआरटी रटनी पड़ेगी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ चारा नहीं कोई, बताओ भैया ठीक है क्या आंसर होगा हमारे पास, यहां लिखा है फेलोजन, क्या लिखा है फेलोजन का दूसरा नाम बताइए, देखते हैं कौन बताता है, फेलोजन का दूसरा नाम बताओ फटाफट जल्दी बताइए, ठीक है चलिए ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट सवाल लिखा है द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, यहां लिखा है जो कंपेनियन सेल होती है इसके फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल किसका पार्ट होता है, जाइलम का या कि फ्लोएम का, यह भी आपको बताना है कि कंपेनियन सेल किसका पार्ट होता है, जाइलम या फ्लोएम, बताओ भाई कंपेनियन सेल किसका पार्ट होता है, जाइलम या फ्लोएम, ठीक है हाँ बिल्कुल कॉर कैम्बियम सही होता है, फेलोजन कॉर कैम्बियम, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, बताओ भैया फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या होगा भैया, ये क्या करता है, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन सीव एलिमेंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट से करता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना एनर्जी लगाए हुए सुक्रोज आके इसमें डिपॉजिट हो जाता है, तो जब एनर्जी नहीं लगती उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है तो आंसर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल लिखा है इसी में, ये हिंदी वाला पार्ट आपका हो गया, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट सवाल हमारे पास बेटा, यहां मैचिंग के सवाल लिखा गया कि कौन सा करेक्ट मैच है, जरा मैच करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, सारे बच्चे मैच करिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, ये सवाल कितने लोगों ने किया ईमानदारी से फटाफट बताओ भाई, क्योंकि तो कल मैं जब कॉपी चेक करूंगा क्लास में, जब क्लास में जब कल ऑफलाइन बैच में कॉपी चेक करूंगा तो डंडा चलेगा कल भाई, याद रखना तो कल मैं क्लास में सभी की कॉपी और टेस्ट पेपर चेक करने वाला हूं, तो सभी लोग आंसर दीजिए, मैं पूछूंगा भी क्या क्या सवाल मैंने पूछा था, चलो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका, मैच करके बताइए फटाफट, चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, जल्दी बताइए, एग्रीकल्चर पॉइंट बिल्कुल सही बता रहे हैं लगता है, मैच करना पड़ेगा, चलिए बताइए जल्दी से, बिल्कुल बताओ बताओ भाई जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, ए ए ए बी, कुछ लोग ए बता रहे हैं कुछ लोग बी बता रहे हैं, चलो मिलाते हैं जरा, देखा है सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी उसे क्या बोलेंगे भैया, इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्या बोलेंगे सॉरी उसे क्या बोलेंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, क्या बोलेंगे मेरिस्टमेटिक, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर लगातार डिवीजन होता रहता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल उसे मेरिस्टमेटिक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया मेरिस्टमेटिक, ठीक है गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे उसे मेरिस्टमेटिक, फिर दूसरा लिखा टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर स्ट्रक्चर उसे क्या बोलेंगे भैया सिंपल, क्या बोलेंगे सिंपल, तो पहले का दूसरा दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा दूसरे का चौथा, तो आंसर आपका क्या हो गया बी आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया, पहले का दूसरा दूसरे का चौथा, बी आंसर करेक्ट है, ए वाला गलत है, ए वाला जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तो तीसरा, उसके बाद आर वाले का क्या हो जाएगा पहला, उसके बाद एस वाले का तीसरा, तो मिला सकते हैं आप, आर वाले का पहला है ये वाला इसका हो जाएगा, और डेड वाला किसका हो जाएगा भैया इसका राइट्स का हो जाएगा, ये सब एनसीईआरटी के सवाल है कुछ भी नया नहीं है, ठीक है चलिए
आंसर आपके पास हो गया सी वाला, बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, बी फॉर बॉल बी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा है यहां पे स्टोमेटा इन ग्रासेस लीफ, क्या लिखा भैया, इन स्टोमेटा जो मोनोकॉट लीफ होती है, जो स्टोमेटा होते हैं उसमें लीफ, वो कैसे स्टोमेटा होते हैं, किस प्रकार के होते हैं बताओ भाई, कैसे स्टोमेटा होते हैं, घास के पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं, डंबल शेप, रेक्टेंगुलर, बैरल शेप या किडनी शेप, बताओ भाई जल्दी से कैसे होंगे, फटाफट बताइए बताओ भाई आयुष बताओ, 16 नंबर कहां से बताओ फटाफट क्या होगा, ठीक है एग्रीकल्चर बेटा सुधीर पंडित, ठीक है ए, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका, डंबल शेप हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भैया डंबल शेप, कैसा हो जाएगा डंबल शेप आपके पास हो जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है, नेक्स्ट सवाल लिखा है कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड, यहां लिखा है गार्ड सेल के बारे में सवाल पूछा गया है कि जो एपिडर्मल सेल होती है सराउंड करती है गार्ड सेल को, उसका नाम बताइए, उस सेल का नाम बताइए क्या होगा, उस सेल का नाम बताओ, लिखा रक्षक कोशिकाओं के आसपास की विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं को कहा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने फिगर करके चित्र में बताया था, फिगर बनाया भी था और आपको बताना भी है, बताओ भाई क्या आंसर होगा, सी, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सब्सिडियरी सेल, क्या हो जाएगा भैया सब्सिडियरी सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्सिडियरी सेल हो जाता है, क्या हो जाएगा सब्सिडियरी सेल हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है यहां पे, लिखा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, अगर क्लोज्ड होगा, अगर क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है बेटा तो क्या होगा वहां पे, वहां पे कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, वहां पर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी बेटा तो वहां पर क्या होगा कभी भी कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, वहां पर कभी भी कैम्बियम क्या होगा नहीं पाया जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कैम्बियम मस्ट बी एब्सेंट बिकॉज द वैस्कुलर बंडल क्या क्लोज, ओपन में सेकेंडरी ग्रोथ होगी बिकॉज द कैम्बियम इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए बात यहां पे कंप्लीट हो चुकी है, अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है यहां पे, नेक्स्ट सवाल लिखा है ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं ये क्या बताते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, अगर आपको बीआईसीआर में जाना ही है तो एनसीईआरटी रटना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा कोई और चारा नहीं है, लिखा ग्राउंड टिश्यू क्या होता है भैया, मैंने बताया था ऑल एपिडर्मल सेल एक्सेप्ट, क्या लिखा भैया ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, यहां लिखा है ना ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, क्या भैया एपिडर्मल एंड क्या लिखा है वैस्कुलर बंडल, सभी टिश्यू होते हैं केवल दो को छोड़कर भैया, क्या एक्सेप्ट एपिडर्मिस और किसको वैस्कुलर बंडल को छोड़कर, सभी के सभी बेटे कैसे होते हैं ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, सब के सब ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई जो बच्चे हमें देख रहे हैं अगर आंसर नहीं दे रहे हैं ये बात ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ये आपको पता है, बार बार बताता रहो तो आपको कि आप आंसर जरूर दीजिए, गलत सही तो अलग बातें हैं बट आंसर आपको देना ही पड़ेगा, विदाउट आंसर यू कैन नॉट जनरेट ए कॉन्फिडेंस इन आवर बॉडी इन योर माइंड, अपने शरीर में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर सकते विदाउट गिविंग आंसर, बिना आंसर दिए आंसर तो देना पड़ेगा आपको, विदाउट आंसर यू कैन नॉट डू एनी प्रॉब्लम सॉल्व, बिना आंसर दिए आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, आंसर तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया बहुत बढ़िया सतीश, ठीक है आई एम फाइन। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है यहां पे, नेक्स्ट लिखा है कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यहां लिखा है जो कॉर्क होता है कॉर्क कैसे बनता है जल्दी बताइए, कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है बेटा हम तो यहीं से हैं, हम तो यहीं से बेटा सेमू, हम तो यहीं से है भाई, ठीक है चलिए हम तो यहीं से हैं, चलिए ठीक है ठीक है भाई एग्रीकल्चर, ठीक है आंसर बताओ क्या होगा बेटा, तो कॉर्क को बनाने वाला भैया कौन होता है, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन होता है, कौन होता है फेलोजन, कौन हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा फेलोजन हो जाएगा, फेलोजन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या लिखा हमारे पास, नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली
रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, यहां पूछा गया कौन सा गलत है स्मूथ मसल के लिए, यहां पूछा है कि स्मूथ मसल जो होती है वो उसके लिए क्या पॉइंट यहां पे गलत है, कोशिश करिए बताइए जरा, कोशिश करो जरा क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल, बिकॉज यू नो दैट मसल्स आर थ्री टाइप, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, थ्री टाइप की मसल्स होती हैं जो आपको पढ़ने को मिलती हैं, तीन तीनों के बारे में स्मूथ मसल के बारे में पूछा गया है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। बोलो भैया क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटरकैलेटेड डिस्क लिखा है, और इंटरकैलेटेड डिस्क आपकी कार्डियक मसल में पाई जाती है, कार्डियक कार्डियक मसल में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला स्मूथ मसल का लक्षण नहीं है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बता देंगे बेटा एग्रीकल्चर एक मोटिवेशनल भी बता देंगे अभी, ठीक है। अच्छा ये एनडीओटी से है सतीश कुमार, ठीक है बेटा सतीश बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है भैया, नेक्स्ट यही सवाल लिखा है हिंदी में, जो क्वेश्चन पिछला वाला था वही हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन, यहाँ सेल जंक्शन के बारे में पूछा गया सवाल, दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकिंग ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। ये भी आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल से सवाल है, इसका आंसर कौन दिया भैया, कौन देगा बोलो भैया क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए कौन सा जंक्शन होगा, बोलो भाई कौन सा जंक्शन होगा, जल्दी बताओ फटाफट कौन सा जंक्शन होगा भैया, बताओ 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 कौन सा जंक्शन होगा इसका आंसर भाई बताओ जरा। हाँ ठीक है बताओ बेटा श्यामू, हाँ बेटा श्यामू पूरा अंग्रेजी हो गया, अब क्या करें हिंदी भी हो जाएगा, परेशान ना हो। चलो एग्रीकल्चर बोल रहे हैं बी, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा भैया सी, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और कौन सा, अच्छा यहाँ पे तीन लिखा होगा ना, टाइट जंक्शन होगा ठीक है, टाइट जंक्शन और क्या होगा भैया गैप जंक्शन, ठीक है टाइट जंक्शन क्या होगा भैया गैप जंक्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है सी आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। बेटा हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं ठीक है, अंग्रेजी में चलती क्लास, चलो आगे ठीक है भाई, हिंदी वालों देखो लिखा है हिंदी वाले समझ ले भैया, सवाल ये लिखा है हिंदी में एकदम बिल्कुल, सवाल हिंदी में है एकदम शुद्ध। चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट लिखा सवाल यहाँ पे लिखा है क्यूबॉइडल इपिथिलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, देखा माइक्रोविलाई के ब्रश बॉर्डर के साथ क्यूबॉइडल इपिथिलियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बोलो भाई किसमें पाया जाता है, बोलो भाई किसमें पाया जाता है, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका जल्दी बताओ फटाफट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, पीसीटी आप क्या हो जाएगा भाई नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो किडनी के बारे में बताया जाता है, क्या भैया किडनी, तो किडनी की बॉडी के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है जो मैंने आज सुबह ही क्लास में बताया था इसके बारे पूरा विधिवत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, अगला सवाल लिखा है स्मूथ मसल आर, यहाँ लिखा है कि चिकनी मांसपेशियां क्या होती हैं, क्या करेक्टर होता है चिकनी मांसपेशियों का स्मूथ मसल का बताओ भाई, चिकनी बता दो भाई चिकनी मांसपेशियों के बारे में क्या सही है, ठीक है इनवॉलेंट्री कैसी होती है, स्पिंडल होती है यूनिटली, ठीक है इनवॉलेंट्री फ्यूजीफॉर और नॉन स्टेटेड, आंसर क्या हो जाएगा ए, इनवॉलेंट्री फ्यूजीफॉर्म और नॉन स्टेटेड होती हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है यहां पे, लिखा मास्ट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, यहां पूछा जो मास्ट सेल होती है मास्ट सेल क्या निकालती भैया, हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन, यहां पूछा गया है हिपेरिन एंड सेरोटोनिन पूछेंगे, हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, हिस्टामिन हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन तीन नाम यहां पे होते हैं, हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन जो मास्ट सेल निकालती है बॉडी के अंदर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है हमारे पास, यहां पे करेक्ट लिखा है मैच करके बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका मैचिंग का। बताओ भाई क्या आंसर होगा मैचिंग का, जरा फटाफट बताइए। ठीक है बिल्कुल सही बता दो भाई, इसका आंसर कौन बताएगा, कोई है, कोई है बाजी राव, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ भाई। डी डी बता रहे हैं लोग, कोलेप्स साइड पाया था आपके किसे, पोरीफेरम, पहले का तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जिसने दिया है, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। डी आंसर डी फॉर डमरू, डंबल वाला डमरू बेटा श्यामू, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या लिखा भाई यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल देखा मैच द कॉलोमिंग, यहाँ पे अभी मैचिंग का सवाल दिया गया है, जल्दी बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। समझ रहे तुमको, तुम बिहार से हो तो तुमको पहचान भी रहे हम, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तुम यहाँ पे कभी पढ़ने आए थे कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, और मैंने ही आपको पढ़ाया था शायद, हमें जो याद आ रहा है। ठीक बेटा बिल्कुल सही, तुम्हारा सही है, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता है बट हाँ मुझे याद है कि तुम आए थे यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई भाई क्या लिखा है यहाँ पे, लिम्यूलस क्या बोलेंगे बेटा, किंग क्रैब, क्या बोलेंगे किंग क्रैब, पहले का आपका हो गया चौथा। ओफ्यूरा क्या बोलेंगे, ब्रिटल स्टार। टेनिया क्या बोलेंगे, टेप वर्म। मेंडाइना क्या बोलेंगे, ब्रेन कोरल। और मेंटेलियम क्या बोलेंगे, टेस्टल। तो आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का सॉरी पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, यहां यहां मैच कर रहा है ठीक आगे, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग, ठीक है चले, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई, ठीक है इतनी बात सुन आई, चले ये आंसर आप मैच कर लिए, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा है कि मैच द कॉलोमिंग, फिर से यहाँ पे मैचिंग का सवाल दिया गया, आपके एनिमल किंगडम से लगातार सवाल दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आपने सही भी किया होगा सवाल को, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा, फाइलम एंड एग्जाम्पल लिखा है, बताओ जरा आंसर क्या होगा फटाफट बोलो भाई, क्या होगा, पहला इकाइनोडर्मेटा, दूसरा हेमिकॉर्डेटा, तीसरा यूरोकॉर्डेटा, चौथा सिफेलोकॉर्डेटा। तो क्या आंसर होगा भाई, इकाइनोडर्मेटा में क्या आपके पास आता है, जल्दी बताइए। ओके बेटा ठीक है बहुत बढ़िया, चलो बताओ जरा फटाफट क्या होगा आंसर इसका बेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या हो जाएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा में आपका क्या हो जाएगा, स्टार फिश, पहले का दूसरा। हेमिकॉर्ड क्या होगा, मेलानोग्रास सेकुलोस। यूरोकॉर्ड क्या होगा भैया, एसीडिया सल्फा और डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्ड क्या होगा भैया, ब्रैंकियोस्टोमा। तो बिल्कुल आसान से मिल सकता है आपका, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, इन तीनों में पहले का दूसरा है। चलो आगे, दूसरे का क्या, चौथा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, चलो ठीक है। तीसरे क्या लिखा भैया, पहला, तीसरे का पहला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला भैया, ये वाला बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल यहां पे लिखा है अगला सवाल कि मैच द कॉलोमिंग, यहां पर भी मैचिंग का सवाल दिया गया कि आप मैच करके बताइए क्या होगा, ठीक है। मैचिंग का सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। एम्फीबिया भैया क्या बोलेंगे, डुअल हैबिटेट बोलते हैं, ये हमेशा जल और थल दोनों जगह पाया जाता है एम्फीबिया। तो पहले का पांचवा हो गया, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है आपका पहला, तीसरा वाला, आपका तीसरा वाला केवल दिख रहा है, पहले का पांचवा, तो आप मैच कर सकते हैं। आपको ऐसे ही मिलाना है, आपको एक मिलाना, अगर सब में कॉमन नहीं है तो तुरंत आप आंसर पकड़ लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर मैचिंग, यहां पर भी मैचिंग का सवाल पूछा गया है, कितना सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है,
अगर आपने किया होगा तो आराम से कर पाए होंगे। बहुत कठिन पेपर नहीं है, आसान सा सवाल दिया गया है ताकि आपके माइंड बेस पे, आपके टोटल कॉमन बेस पे आधारित है। लगातार चीजें आपको वही पढ़ाई जाती हैं जो आप लगातार किताबों में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, अपने कंटिन्यू जो अपने घरों में रूम में जो आप पढ़ते हैं किताबों को, सेम सवाल वही दिया गया, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बीसी क्लास बेटा नहीं चलता है, ठीक है, बीसीसी क्लास नहीं चलता है, लेकिन आपको यूपी आईसीआर की तैयारी, सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, कोइनोसाइट, नाइडोब्लास्ट, फ्लेम सेल, नेफ्रेडिया और कॉम्प्लेट, ये पांच नाम यहाँ पे दिए गए हैं आपको, पांचों की जरा मैच करके बताइए क्या आंसर है, बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका, जल्दी बताइए फटाफट, बटो भाई फटाफट क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, डी डी बोल रहे हैं, कोनोसाइट बेटा कॉलर सेल आपका पोरीफेरम है, पहले का तीसरा हो जाएगा, तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही एग्रीकल्चर स्टूडेंट का, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही, आकृति कटियार, ठीक है आकृति बिल्कुल सही, डी वाला आंसर। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर भी आपके मैचिंग के सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा मैच करके बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे, बताओ भाई मैचिंग का सवाल दिया है, बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा बताओ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा, 31 नंबर का आंसर, 31 क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताओ, स्टेटोसिस बेटा क्या होता है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है, ये बैलेंसिंग का ऑर्गन काम करता है, रेडुला आपका कहां पे आता है भैया, फीडिंग के लिए होता है आपका, क्या भैया, फीडिंग, ऑर्गन ऑफ फीडिंग होता है, गिल्स क्या होता है आपके भाई, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, टेंटिकल क्या होता है भैया, सेंसरी ऑर्गन होता है, तो आप यहां से मिला सकते हैं क्या आंसर होगा, पहले का आपका तीसरा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है भैया, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है भैया, बेटा क्रैश कोर्स के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, और उस पर मोबाइल पे आपके स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कॉल करिए, पता कर लीजिएगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे 9793900888 नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करिए, पता चलिए, ठीक है, चलिए तो आंसर आपके पास हो गया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा क्या लिखा है, बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पे एनिमल किंगडम से दिया था, चलिए बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए, लोलिगो के बेटा क्या बोलेंगे, स्क्विड, क्या बोलेंगे, स्क्विड, एप्लाइसिया क्या बोलेंगे, सी हेयर, सीपिया क्या बोलेंगे, कटल फिश, कीटोप्लूरा क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन, पेंटाडा क्या बोलेंगे, पर्ल ओइस्टर, तो आप यहां से मैच कर सकते हैं आंसर, आपके पास आंसर हो जाएगा, पहले का आपका पांचवा हो गया, पहले का पांचवा, दूसरे का छठवां, तो एक ही आंसर आपके पास है, डी वाला, डी वाला क्या होगा भैया, करेक्ट हो जाएगा, पांच छह एक दो तीन, पांच छह एक दो तीन आंसर हो जाएगा, पांच छह एक दो तीन। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है अगला सवाल, इसका भी करेक्ट मैचिंग का सवाल दिया गया भैया, क्या मैचिंग है, पाइला को बेटा क्या बोलेंगे, एप्पल स्नेल, पाइला क्या बोलेंगे, एप्पल स्नेल, कीटान क्या बोलेंगे, कीटोप्लूरा, डेंटेलियम क्या बोलेंगे, टस्ट सेल, सीपिया क्या बोलेंगे, कटल फिश, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिखा है ब्यूफो को क्या बोलेंगे भैया, ब्यूफो को आपका टोड बोलेंगे, ब्यूफो को टोड, फ्रॉक को क्या बोलेंगे, राना बोलेंगे, हाइलक क्या बोलेंगे आपका, ट्री फ्रॉक बोलेंगे, सेलेमेंडर क्या बोलेंगे, सेलेमेंडर बोलेंगे, इक्चुपे क्या बोलेंगे, लिम्बलेस बोलेंगे, तो आपका पहले का पांचवा, पहले का पांचवा, दूसरे का दूसरा, पहले के पांचवा, दूसरे का दूसरा, आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है यहां पे, अगला सवाल लिखा है 35 नंबर सवाल, ये भी मैचिंग का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसको भी आपने किया ही होगा आराम से। चलो भाई लिखा है एस्केरिस को क्या बोलेंगे आपका, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, वुचेरेरिया क्या बोलेंगे, फाइलेरियल वॉर्म, एंसाइलोस्टोमा को हुक वॉर्म, पेरिटोमा को अर्थवॉर्म, तो पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
ठीक है। बिल्कुल बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा है वेन पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर। बहुत बढ़िया सवाल है, वेन पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट द प्रोसेस इज कॉल्ड। लिखा जब एक फूल के परागकण दूसरे पुष्प पौधे के दूसरे फूल के परागकण पर हस्तांतरित होते हैं तो ऐसी क्रिया को बेटा क्या बोलेंगे, बताओ भाई ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे ऐसी क्रिया को, ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। चलिए अगला सवाल लिखा ऑटोगैमी क्या होती भैया, ऑटोगैमी बताओ भाई व्हाट इज ऑटोगैमी, ऑटोगैमी किसे बोलते हैं जल्दी बताइए, ऑटोगैमी किसे बोलेंगे। सिंपल सवाल है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, बिल्कुल सही। जब एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाए और उसके बीच में पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण हो जाए तो वे क्या बोलेंगे, उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। चलिए अगला सवाल क्या लिखा हमारे पास, नेक्स्ट सवाल लिखा है मेज, मेज इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ, बेटा मेज आपके पोएसी कुल का मेंबर होता है, पोएसी क्या होगा भैया, पोएसी या उसे क्या बोलेंगे, ग्रामनी कुल बोलेंगे। और इसमें बेटा कैसा होता है, एनिमोफिली हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एयर के द्वारा, एयर या विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, एयर बोलेंगे या विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। एंटोफिली आपका इंसेक्ट के द्वारा हो जाता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, ये आपका बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है, बर्ड के द्वारा, और ये आपका वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। तो सारे नाम आपको मैंने बता दिए, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को एंटोमोफिली, बर्ड के द्वारा क्या बोलेंगे उसे, ऑर्निथोफिली, और हाइड्रोफिली क्या बोलेंगे, वाटर के द्वारा, और एनिमोफिली मैंने बता दिया एयर के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए भाई अगला सवाल क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ, पॉलन जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल आपके यूपी कैटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईसीआर में कई बार आया भी है ये, ठीक है, आईसीआर में कई बार पूछा भी गया सवाल और पूछा जा सकता है कि पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नया सवाल है ये, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए हमारे पास किस आयन की जरूरत पड़ती बेटा, तो उसका नाम होता है बोरॉन। बोरॉन क्या करता है, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए उस पॉलन के अंदर क्या होता है भैया, बाहर से एजेंट की जरूरत, मतलब बाहर से इसको डालना पड़ता है। अगर आपको पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करवाना है तो हमें बोरॉन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बोरॉन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, बी, बी बोरॉन, बोरॉन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है यहां पे, लिखा द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, बहुत अच्छा सवाल लिखा है कि दोहरे निषेचन के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो मैंने बताया भैया इसको किसने बताया था, आपका नवा सिचिन ने बताया था, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या, नवा सिचिन, तो नवा सिचिन ने इसके बारे में पूरा विधिवत बताया था, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने नहीं बताया था, ठीक है, प्रणाम, प्रणाम उत्कर्ष, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा भैया निषेचन के बाद बीज का विकास किससे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप फ्रॉम, ये सवाल पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड किस में डेवलप होता है, किससे बनता है सीड, निषेचन के बाद सीड को बनाने वाली संरचना का नाम बताइए, स्ट्रक्चर का नाम बताइए, बताओ भाई क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताओ भाई, बोलो भाई क्या हो जाएगा आपका, ओव्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओव्यूल, जबकि ओवरी आपका क्या बनाता है, ओवरी आपकी फ्रूट बनाती है, क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। ये आप यहां पे समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आसान सा है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है यहां पे,
लिखा है पेरिस्पर्म किसे बोलेंगे भैया, ये भी सवाल पूछा गया है कि रेमिनेंट ऑफ न्यूसलस या न्यूसलस का जो बचा हुआ भाग होता है, न्यूसलस का बचा हुआ भाग पेरिस्पर्म कहलाता है या परसिस्टेंट न्यूसलस इनसीड, परसिस्टेंट न्यूसलस इनसीड। और एग्जाम्पल बेटा इसका याद करके जाना, एग्जाम्पल होता है ब्लैक पीपर, क्या बोलेंगे ब्लैक पीपर जिसे काली मिर्च बोलते हैं, और क्या बोलेंगे दूसरा एग्जाम्पल बीट। दो एग्जाम्पल याद करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेरिस्पर्म के, ब्लैक पीपर और बीट के एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट ए आंसर हो जाएगा, ब्लैक पीपर एंड बीट आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो अगला सवाल लिखा है यहां पे कि मेगा स्पोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा है मेगा स्पोरोफिल आल्सो कॉल्ड, बताओ भाई क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल को क्या बोलेंगे, फटाफट बताइए मेगा स्पोरोफिल को क्या बोला जाता है। स्टेमेन को आपको पता है, स्टेमेन तो आपका मेल का पार्ट है, ओवरी फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल का पार्ट है, कार्पेल, और कार्पेल को ही क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। अगर मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे तो ओव्यूल बोल देंगे, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे और कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेगा स्पोरोफिल का बी आंसर। चलिए अगला सवाल लिखा है यहां पे, स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन, कितना बढ़िया सवाल लिखा, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि स्पोरोपोलिन कहां पाया जाता है। चलो भाई आंसर बताओ जरा, स्पोरोपोलिन फाउंड इन साइटोप्लाज्म, एक्साइन, इंटाइंड या न्यूक्लियस, किसमें होगा स्पोरोपोलिन, ठीक है बताओ जरा। इसको बोलते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल ये पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा भैया, एक्साइन, क्या होगा भैया, एक्साइन आंसर हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्साइन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल उत्कर्ष सही, ठीक है एग्जाइन आपका आंसर भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, इंटाइन नहीं होगा एग्जाइन। और जो पेक्टोसेलोज ये बना होता है किसका भैया, पेक्टिन और सेलुलोज का, ये बना होता है पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज का। चलिए आगे चलते हैं, यहां क्या लिखा है अगला सवाल, ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है चलो देखो जरा, लिखा फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन, यहां लिखा है कि रेशे किसमें नहीं पाए जाते, बड़ा अच्छा सवाल है ये, किसमें रेशा नहीं पाया जाता है, बता भाई रेशा किसमें नहीं पाया जाता, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है कि फाइबर किसमें एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में, सेकेंडरी जाइलम में या लीफ में, जल्दी बताओ भाई, फाइबर कंप्लीटली आर एब्सेंट इन, ठीक है ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीफ, पत्तियों में कोई फाइबर नहीं पाए जाते, ठीक है पत्तियों में कोई फाइबर नहीं पाते, लीफ में कोई फाइबर नहीं होते। चलो अगला सवाल, यहां लिखा बेटा हेटरोगैमेटिक मेल कंडीशन डज नॉट अकर, यहां पूछा गया है किसमें हेटरोगैमेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती, डज नॉट अकर, बताओ भाई बता दो भैया, किसमें हेटरोगैमेटिक कंडीशन डज नॉट अकर, यहां पूछा गया मेल के बारे में, मेल के बारे में पूछा है बेटा, बर्ड में बात करेंगे, अगर बर्ड में बात करें मेल के बारे में, बर्ड में मेल में, बर्ड में लिखते हैं मेल कैसा होता है जेड जेड, और फीमेल कैसा होता है भैया, फीमेल को बोल क्या लिखेंगे जेड डब्ल्यू, यहां मेल हो जाता है, मेल कैसा भैया होमोगैमेटिक, यहां पूछा है किसमें मेल में, किसमें हेट्रोगैमेटिक मेल कंडीशन डज नॉट, किसमें मेल में हेट्रोगैमेटिक नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा बर्ड हो जाएगा, ड्रोसोफिला में क्या होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, ये आपका होता है मेल, ये आपका होता है फीमेल, ह्यूमन में क्या होता है एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई क्या होता है मेल, हनीबी में भी वही हाल होता है एक्स एक्स वाला कहानी, ठीक है यहां पर भी होता है एक्स एक्स वाली कहानी, तो याद करके जाना भैया, क्या आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट ए, ए आंसर हो जाएगा भैया, बर्ड, बर्ड में मेल कैसा होता है होमोगैमेटिक, बर्ड में मेल होमोगैमेटिक होता है, बर्ड में मेल होमोगैमेटिक, कंडीशन पूछा है कि कौन सा नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा बर्ड, ए आंसर। चलो अगला सवाल क्या लिखा है यहां पे, लिखा है मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा, यहां पूछा कि पोरीफेरा के जो
मेंबर होते हैं, क्या कंडीशन होती है पोरीफेरा के मेंबर में? ठीक है, ठीक है, चलिए गलत लिखा है बेटा। आपको पता है कि ज्यादातर मेंबर कैसे होता है आपका? मोस्टली मैराइन। फ्यू कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। ज्यादातर आपके मैराइन होते हैं और कुछ आपके साफ पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बात याद करके जाइए, ज्यादातर मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। बेटा डी आंसर हो जाएगा इसका, 47 नंबर डी हो जाएगा, 47 का डी। चलिए अगला सवाल लिखा है, लिखा है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ। ये भी सवाल पूछा गया है कि वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये दोनों बेटा सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ, ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और दोनों बेटा क्या होंगे? लैटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं, लैटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हो जाते हैं। नहीं बेटा आज क्लास नहीं होगी बॉटनी की, आज बॉटनी की क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या लिखा बेटा यहां पे हमारे पास, देख लेते हैं। यहां लिखा है कि बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल क्या होता है? बाइकोलेटरल कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? बताओ भैया, ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा, यहां पर ऐसे होता, मैंने बताया भी है, ऐसे करके होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहां पे आपका हो जाएगा फ्लोएम, क्या हो जाएगा? फ्लोएम। और ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लोएम, क्या हो जाएगा? फ्लोएम। और ये आपका हो जाएगा कैम्बियम, क्या हो जाएगा? कैम्बियम। ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैम्बियम। और ये आपका क्या हो जाता है बेटा? जाइलम, क्या हो जाएगा? जाइलम। तो सवाल यही पूछा गया है, जाइलम, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोएम दोनों साइड से जाइलम को क्या करता है? कवर करता है, ऊपर फ्लोएम, नीचे फ्लोएम, बीच में क्या बेटा? जाइलम। तो लिखा है जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, ठीक है, एंड इट टू ग्रुप ऑफ फ्लोएम अलोंग द टू साइड ऑफ द जाइलम, दोनों साइड से क्या करता है? जाइलम को कवर किए है। तो इसी को बेटा क्या बोलेंगे? बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, जो कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है, जो केवल और केवल कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है, ये केवल और केवल कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है, ठीक है, याद करना। कुकुरबिटेसी कुल होता है जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, इन सभी के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, सभी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट बेटा। आज का लास्ट और अंतिम सवाल हमारे पास है, पत्ती की मेसोफिल सेल बनी होती है, पूछा पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों में मेसोफिल सेल किसकी बनी होती है, ये सवाल पूछा गया है, जल्दी बताइए, ठीक है, बताओ बेटा क्या होगा? पत्तियों में दो प्रकार की मेसोफिल सेल होती है, बंडल सीड सेल एंड सॉरी पैलिसेड स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बारे में पूछा गया यहां पे, ठीक है। यहां लिखा है लीफ कंपोज्ड ऑफ, दो नाम क्या होगा बेटा? पैलिसेड और दूसरा क्या होगा? स्पंजी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में तो उसने पूछा नहीं है, ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में उसने पूछा नहीं है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चले आगे, बताओ भाई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आज बेटा हमने क्या किया कि आईसीआर, आज संडे था, आज सुबह टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट होने के बाद आज शाम को डिस्कस भी कराया गया है, बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ने अपने आंसर को मैच भी किया होगा और बहुत सारे बच्चे बताना भी चाहेंगे किसके कितने सही है, ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों के लगभग 50 से 45 सही है तो बता सकता है कि हाँ मेरे 45 सही हैं,
ठीक है, बाकी हम लोग अगले संडे को फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो फिर हम लोग शाम को लाइव आएंगे, शाम 6 बजे ही लाइव आएंगे अगले संडे को, ठीक है। तो अगले संडे को हम लोग लाइव आएंगे और फिर से 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास बेटा कैसी लगी जरूर बताइएगा, बाकी हम लोग मिलते हैं, ठीक है बेटा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है, तुम बाकी तुम समझदार हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में संडे को मिलेंगे। आज के बताए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।